जी हाँ बच्चों, मैंने आपसे बोला था कि एनसीईआरटी काफी इंपॉर्टेंट है अगर आप नीट की प्रिपरेशन करते हैं, और एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि बच्चे जब खुद से सेल्फ स्टडी करते हैं, एनसीईआरटी को खुद से पढ़ते हैं, तो बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं बच्चे पढ़ करके निकल जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि उन्होंने कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिस कर दिया या इंपॉर्टेंट वर्ड मिस कर दिया, है ना। तो एनसीईआरटी अगर आप विदाउट टीचर के गाइडेंस में पढ़ रहे हैं तो मैं फिर से एक बार कह दूं कि सर आप गलती कर रहे हैं। बिना टीचर के गाइडेंस के आप एनसीईआरटी को मत पढ़िए, ठीक है। एक बार पहले टीचर की गाइडेंस में पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद आप खुद से पढ़िए, क्योंकि बहुत सारी हिडन डिटेल्स उसमें छुपी हुई होती है। और एनसीईआरटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है जानते हैं क्या है? वो किसी एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट को किसी दूसरे चैप्टर में भी रेफरेंस के तौर पर यूज करता है, ठीक है। और हम यही करने वाले हैं कि एनसीईआरटी के डिफरेंट चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिए गए हैं तो उसको एक साथ ला करके पढ़ेंगे, है ना, जिससे कि हमारे कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो सके और चीजें हमें क्रिस्टल क्लियर हो सके। क्लियर है? तो मैंने आपसे वादा किया था कि हर एक चैप्टर की एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन मैं लाऊंगा लाइन टू लाइन। तो स्टार्ट है आज, हम पहली बार इस एनसीईआरटी में चैप्टर सेकेंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन को लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। हाँ, हमको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पहला चैप्टर है, इसके बाद स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। मैंने सोचा कि क्यों ना आपके फेवरेट चैप्टर से स्टार्ट किया जाए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके कुछ बेसिक क्वेश्चन हो सकते हैं कि जैसे सर ह्यूमन रिप्रोडक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है क्लास ट्वेल्थ में या फिर नीट के एग्जाम में। भैया मैं आपको बता दूं, एटलीस्ट 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं वो आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, ऑन एन एवरेज। और जनरली 4 to 5 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं नीट के एग्जाम में। और एटलीस्ट मैं बता दूं, किसी भी साल ऐसा नहीं रहा है जिसमें लेस देन 3 क्वेश्चन पूछे गए हों नीट के एग्जाम में। और बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल है, इजी है, बस अगर आप उसको ठीक से पढ़ें, ठीक से समझें तो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों ह्यूमन रिप्रोडक्शन, है ना, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो इनमें दो चीजें समझ में आती हैं कि सर पहली चीज क्या है, ह्यूमन तो हमको पता ही है, होमो सेपियंस सेपियंस, हम तो ह्यूमन ही है, ठीक है। रिप्रोडक्शन क्या होता है, है ना। तो मैं हमेशा कहता हूं बायोलॉजी इज कोडिंग। बायोलॉजी कैसी है? कोडिंग है, है ना। जनरली आपने सुना होगा कि बायोलॉजी तो बड़ी ईजी होती है, ऐसा नहीं है, है ना। तो रिप्रोडक्शन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, जस्ट ब्रेकआउट करना है, उसको तोड़ देना है। जैसे मैं अगर बोलूं कि अगर मुझे ह्यूमन रिप्रोडक्शन समझना है बच्चों, है ना, मुझे नहीं पता कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो मैंने सबसे पहला काम क्या किया, रिप्रोडक्शन में डिवाइड कर दिया, मैंने उसको ब्रेक कर दिया। तो री मतलब होता है बच्चों अगेन, क्या होता है, अगेन। एंड प्रोडक्शन मीन्स वॉट, क्या होता है, फॉर्मेशन, क्या होता है, फॉर्मेशन। सो जो अगेन एंड अगेन फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है उसी को क्या बोलते हैं हम, रिप्रोडक्शन। सर ये कैसे समझ में आएगा कि अगेन एंड अगेन जो प्रोसेस हो रही है प्रोडक्शन की उसे रिप्रोडक्शन बोलेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल आप ये सोचिए बच्चों कि ग्रैंडफादर हैं, ठीक है, ग्रैंडफादर हैं। अब ग्रैंडफादर ने क्या किया, फादर को बनाया, ठीक है, फादर को बनाया। जिस प्रोसेस के थ्रू बनाया उस प्रोसेस को हम बोलेंगे क्या, रिप्रोडक्शन। क्या बोलेंगे बच्चों, रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो अगेन प्रोडक्शन हुआ, फिर क्या हुआ, आप जानते हैं फादर ने किसको बनाया, फादर ने किसको बनाया, सन या फिर किसको, डॉटर को। अब ये सन या डॉटर जिस प्रोसेस के थ्रू बन रहे हैं उस प्रोसेस को भी हमने क्या बोला, रिप्रोडक्शन। क्या बोला बच्चों, रिप्रोडक्शन, है ना, अगेन एंड अगेन फॉर्मेशन की जो प्रोसेस चलती रहती है। तो सर रिप्रोडक्शन का एडवांटेज क्या है, नंबर वन, रिप्रोडक्शन के थ्रू कोई भी स्पीसीज एग्जिस्टेंस में बनी हुई रहती है, ठीक है। नंबर सेकेंड, अगर क्या हो कि किसी ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्शन की एबिलिटी लॉस हो जाए, यानी कोई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें रिप्रोडक्शन होना बंद हो जाए, तो क्या होगा, वो इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो जाएगा भैया, है ना, इस दुनिया से उसका नामो निशान खत्म हो जाएगा। तो रिप्रोडक्शन जरूरी है अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए और कंटिन्यूएशन के लिए कि आपकी स्पीसीज जो है इस धरती पर बनी रहे। समझ में आ रहा है, बिल्कुल। अब हमें एक चीज पता है बच्चों कि जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन होता है
वो टू टाइप का होता है ना, टू टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। कैसे, कौन कौन से बच्चों, कौन कौन से रिप्रोडक्शन होते हैं आप मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। आपका साथ बड़ा जरूरी है। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन है ना, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, तो हमें पता है रिप्रोडक्शन के दो टाइप होते हैं सर। कौन कौन से, कौन कौन से सर? एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना बच्चों। पहला होता है क्या, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है क्या बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सर ये तो हमको भी पता है, मैं आपको बता दूं बच्चों, ये चैप्टर ना है तो इंपॉर्टेंट, कॉन्सेप्चुअल है। मैं इसलिए ये सारी चीजें आपको बता रहा हूं क्योंकि आपका बेसिक क्लियर हो सके, है ना। कई बार बच्चे होते हैं बस पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, उनको बेसिक नहीं पता होता, छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं जिसकी वजह से आगे प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन मैं एक चीज कहता हूं, अगर आपको कंप्लीट नॉलेज चाहिए सर तो वीडियो को पूरा देखिए, हर एक कॉन्सेप्ट पर फोकस किया जाएगा, जीरो टू टॉप हम चलेंगे, क्लियर है। अच्छा सर ये तो समझ में आ गया कि रिप्रोडक्शन क्या है और टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। लेकिन रिप्रोडक्शन की किसी ने डेफिनेशन हमसे पूछ ली तो हम क्या बोलेंगे, है ना। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, रिप्रोडक्शन की अगर डेफिनेशन हम देखें तो रिप्रोडक्शन की मैं डेफिनेशन आपके सामने लिखता हूं, जस्ट अ सेकंड। यहां पर देखिए, अगर मैं बोलूं रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन, रिप्रोडक्शन क्या है, तो हम कह सकते हैं इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, इट इज बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच by which an organism give rise to young one of its own kind, है ना। मतलब क्या, D होना चाहिए सर, king नहीं, है ना, just a second मेरे बच्चों, काइंड, ठीक है। अच्छा सुनो, इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब क्या हुआ मैं आपको बता दूं, ये कहना चाहता है कि जो रिप्रोडक्शन है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसके थ्रू कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीव अपने ही जैसी संतान उत्पन्न करता है ना, उसी को क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन। अब हमने रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन देख ली, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन देख लिया, है ना। लेकिन टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे हम पहचानेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, है ना, इसका भी हमें डिफरेंस पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए सर। आइए देख लेते हैं। अगर मैं बोलूं बेटा, यहां पर देखिए, मैं यहां पे एक ग्राफ बनाता हूं आपके सामने, ठीक है, एक ग्राफ बनाता हूं कि सर समझिए कि अगर हमें डिफरेंसेस जानने हैं सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, यहां पर मैं लिख देता हूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सपोज करो यहां पर मैं लिखता हूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और यहां पे मैंने लिखा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। तो इनमें क्या डिफरेंस होते हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर आपको जानना है तो टू बी ऑनेस्ट मैं एक ही चीज कहता हूं कि सर आप मुझे बताइए आपका जन्म कैसे हुआ और किन किन चीजों की जरूरत पड़ी, बस उन्हीं चीजों को आप लिख दीजिए यहां पर, है ना। कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है सर, जितने भी हायर एनिमल होते हैं, हायर प्लांट होते हैं, हायर एनिमल में सबसे बड़ा जानवर तो इंसान ही है, तो है ना, तो ह्यूमन में जिस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, हमारा जन्म जैसे होता है वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब तुम पूछोगे सर बताइए आप हमारा जन्म कैसे होता है, तो मैं सिंपली बता दूं बच्चों, ध्यान से देखो, यहां पर देखो तुम फोकस करो, मैं ये कहता हूं कि एक मेल होता है ना, एक मेल होगा जिसे हम फादर कहते हैं, मेल का साइन कैसा होता है बच्चों, पहचान लीजिए इस तरीके से, एक मदर होगी जिसे हम क्या बोलते हैं, फीमेल, है ना, फीमेल का साइन कैसा होता है मेरे बच्चों, इस तरीके का। आपने टॉयलेट वगैरह के बाहर भी देखा होगा कई बार, है ना, जो लग्जरी टॉयलेट वगैरह होते हैं या फिर कई बार आपने रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन पर देखा होगा। अच्छा सर ये तो पता है, हमको पता है मेरे बच्चों कि जो मेल होता है
उससे गैमिट बनते हैं, है ना। जो गैमिट बनता है मेल से उसे हम क्या नाम देते हैं बताइए, जस्ट अ सेकेंड, ये क्या आ गया भाई, हाँ जो मेल मेल से जो गैमिट बनता है बेटा उसके हम उसे हम क्या नाम देते हैं बताइए, उसे हम नाम देते हैं सर स्पर्म, है ना, क्या नाम देते हैं स्पर्म, यहां पर देखिए बच्चों उसे हम कहते हैं स्पर्म, सर हमने उसे स्पर्म बोला, ठीक है। और जो फीमेल के थ्रू गैमिट बनता है, जो फीमेल के थ्रू गैमिट बनता है उसे क्या कहते हैं बेटा हम, ओवा, क्लियर है। अच्छा एक चीज हमें पता होनी चाहिए, स्पर्म या ओवा, ठीक है, मैं आपकी आगे आपको पढ़ाऊंगा स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस, स्पर्म और ओवा जो होते हैं वो हैप्लॉयड इन नेचर होते हैं, यानी उनकी पोलॉयडी जो होती है वो होती है एन, ठीक है, यानी हैप्लॉयड नेचर में होते हैं। ओवा को ही हम एक और नाम देते हैं बेटा एग, है ना, एग भी कहते हैं, इसी को हम ओवम भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ओवम भी कहते हैं, क्लियर है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब मेल से स्पर्म बन गया, फीमेल से ओवा बन गया, है ना, ये दोनों गैमिट बन गए। अब ये दोनों गैमिट क्या करते हैं मेरे बच्चों, ये दोनों गैमिट करते हैं आपस में फ्यूजन, है ना, जब फ्यूजन होता है तो रिजल्टिंग बन जाएगा मेरे बच्चों जाइगोट, क्या बनेगा जाइगोट। अब एन और एन मिल गया, ये एन और ये एन दोनों फ्यूज हो गए तो क्या बन गया 2N, है ना, जाइगोट बना। स्पर्म और ओवा दोनों के फ्यूजन की जो प्रोसेस होती है उसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम कहते हैं सर फर्टिलाइजेशन। बोलिए सर समझ में आया, समझ में आया फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अभी सर ये जाइगोट बन चुका है, इसके बाद क्या होगा, ध्यान से सुनिए मेरे बच्चों। अब इसी जाइगोट में होता है डिवीजन, जाइगोट में जब डिवीजन होगा, सपोज करिए यहां पर ये जाइगोट है, एक ही सेल है इसमें और एक ही न्यूक्लियस है, लेकिन जब इस जाइगोट में डिवीजन होगा, माइटोसिस डिवीजन, तो मेनी सेल का फॉर्मेशन होगा, बहुत सारी सेल बन जाएगी। इस कंडीशन को हम कहते हैं क्या, इम्ब्रियो, क्या कहते हैं, इम्ब्रियो। और यही इम्ब्रियो आफ्टर डेवलपमेंट मेरे बच्चों कन्वर्ट हो जाएगा एक एडल्ट पर्सन में, है ना, एक एडल्ट बच्चे में कन्वर्ट हो जाएगा। लो जी ये कौन है सर, ये हैं हमारे बंटू भैया, है ना, यानी एक एडल्ट पर्सन, एडल्ट है, नाम क्या है, बंटू भैया, समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो ये एडल्ट कोई और नहीं, हम और आप, हम सभी का जो जन्म हुआ है वो इसी तरीके से हुआ है, क्लियर है। फिर से मैं रिवाइज कर दूं, मेल होता है और फीमेल होता है, मेल से गैमिट जो बनता है उसे हम स्पर्म कहते हैं, जो फीमेल से गैमिट बनता है उसे हम ओवा कहते हैं, दोनों में फ्यूजन होता है, उस प्रोसेस को बोला फर्टिलाइजेशन, रिजल्टिंग जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जाइगोट डायप्लॉयडी नेचर होता है। जाइगोट में जब डिवीजन होता है, ठीक है, मेनी सेल बन जाती है, उसी को हम बोलते हैं इम्ब्रियो, और वही इम्ब्रियो आफ्टर डेवलपमेंट एक एडल्ट इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है, दैट्स इट, ठीक है। यही है मेरे बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, ये प्रोसेस कौन सा हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं, ये कौन सा प्रोसेस हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, ठीक है। अच्छा तो इसी प्रोसेस को हमें लिखना है कैसे, आइए यहां पर देखिए जो हमने बनाया है यहां पर चार्ट। तो नंबर वन, इसमें नंबर वन पॉइंट क्या लिखेंगे, नंबर वन पॉइंट ये है सर, मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल, दैट इज बोथ पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, है ना, बोथ पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, ठीक है, दोनों की जरूरत पड़ेगी सर, है ना, जो मेल होगा उसकी भी जरूरत पड़ेगी, फीमेल जो होगा उसकी भी जरूरत पड़ेगी। नंबर सेकेंड पॉइंट जो है मेरे बच्चों वो क्या है, गैमिटोजेनेसिस होती है, यानी गैमिट का फॉर्मेशन होता है बाय मियोसिस डिवीजन, है ना, तो हम क्या लिखेंगे, गैमिटोजेनेसिस, गैमिटोजेनेसिस बाय मियोसिस डिवीजन, मियोसिस डिवीजन, सही है। मियोसिस डिवीजन आपको पता है रिडक्शनल डिवीजन होता है, ठीक है। और क्या होता है, थर्ड वन फर्टिलाइजेशन होता है ना, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एस भी लिख सकते हैं जेड की जगह पर, इस चीज को याद रखिए, फर्टिलाइजेशन अकर्स। और क्या होता है मेरे बच्चों, और क्या होता है, नंबर फोर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर फोर में हम लिख सकते हैं एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या, जेनेटिकली डिफरेंट,
डिफरेंट इंडिविजुअल आर प्रोड्यूस, इंडिविजुअल आर प्रोड्यूस, है ना बच्चों? इसका क्या मतलब हुआ सर? जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल प्रोड्यूस होते हैं, मतलब मैं आपको बताता हूं, जेनेटिक्स की जब भी बात आए तो आप समझ लेना कि बात हो रही है मेरे बच्चों डीएनए की, है ना? सर डीएनए तो फादर और मदर के ही जैसा होता है, बिल्कुल, लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो स्पर्म और ओवा बन रहे हैं किस प्रोसेस के थ्रू बन रहे हैं? मियोसिस के थ्रू, और मियोसिस के प्रोफेज फर्स्ट के पैचेट इन सब स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होती है, जहां पर डीएनए क्या होते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं, है ना? डीएनए थोड़ा सा चेंज हो गया और हम क्या हैं, मदर और फादर दोनों के हाइब्रिड हैं। आप देखिए इस स्पर्म में, ये जो स्पर्म है इसमें क्या होगा, फादर का डीएनए, ये जो ओवा है इसमें क्या होगा, मदर का डीएनए, और ये दोनों डीएनए हमारे बॉडी में आ रहे हैं। तो क्या हम 100% अपने फादर के जैसे हैं? बिल्कुल नहीं, हमारे अंदर तो मदर का भी डीएनए, तो हम थोड़ा बहुत मदर के भी जैसे हैं। क्या हम 100% मदर की तरह हैं? बिल्कुल नहीं, हमारे अंदर फादर का भी डीएनए है, तो हमारे अंदर कुछ कैरेक्टर किसके भी होंगे, फादर के भी होंगे। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट वी आर हाइब्रिड ऑफ मदर एंड फादर। इसीलिए आपने सुना होगा मूवीज वगैरह में डायलॉग होता है, क्या तुम मेरा ही खून है, तुम मेरा ही अंश है, कभी आपने सुना, तुम मेरा ही स्पर्म है, नहीं, तुम मेरा ही ओवा है, नहीं, है ना? तो ज्यादा साइंटिफिक होना मुझे नहीं लगता कि सोसाइटी के लिए ज्यादा अच्छा है, ठीक है? तो हम ऐसे कॉमन वर्ड बनाते हैं, है ना, जो सुनने में भी अच्छे लगे, उसके कुछ इमोशनल वैल्यूज भी हो, है ना? तो इस तरीके से क्लियर है बच्चों, समझ पा रहे होंगे, आई होप सो। तो हम जो है हमारे अंदर दोनों के कैरेक्टर दिखते हैं, किसी एक के कैरेक्टर में भी ज्यादा हो सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ जीन, उसे हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? जैसे मैं जनरली अपने बच्चों को बताता हूं कि मोस्ट ऑफ द केस में जो गर्ल्स होती हैं उनमें फादर के कैरेक्टर ज्यादा होते हैं, मोस्ट ऑफ द केस में, नॉट इन 100%, है ना, जस्ट बिकॉज की एक्स क्रोमोजोम जो है वो डोमिनेटिंग है थोड़ा सा, वो कहां से आता है, फादर से आता है, ठीक है? मोस्ट ऑफ द केस में ऐसा है, 100% नहीं, ठीक है? आई होप सो समझ में आया होगा आपको कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है? अच्छा सर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो समझ में आ गया, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा? भैया जब आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पता चल गया, इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसे सर? जैसे यहां पे दोनों पेरेंट्स की जरूरत पड़ रही है, तो यहां पे आप क्या लिख सकते हैं, यहां पे आप लिख सकते हैं सर ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व, दैट इज मेल और फीमेल, और फीमेल मतलब क्या है सर? इसका मतलब यह है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही की जरूरत पड़ेगी, या तो वो पापा होगा या तो वो मम्मी होगी, वो अकेले ही इतना उसमें एबिलिटी है कि वो नए बच्चे को जन्म दे सकता है, यहां पे मदर और फादर दोनों की जरूरत नहीं है, क्लियर है? अच्छा सेकेंड थिंग, नो गैमिटोजेनेसिस, सो नो मियोसिस डिवीजन, है ना? अब सुनो, गैमिट का फॉर्मेशन नहीं होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इसलिए मियोसिस डिवीजन की भी जरूरत नहीं है। अच्छा और सुनो, अब जब गैमिट ही नहीं है तो क्या फर्टिलाइजेशन होगा मेरे बच्चों? नहीं होगा, तो हम कहेंगे क्या, नो फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे बच्चों? नो फर्टिलाइजेशन, बोलिए सर, सही है, समझ में आया? अब यहां पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है, क्या है मेरे बच्चों, जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली, है ना, आइडेंटिकल मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, सेम, इंडिविजुअल आर प्रोड्यूस, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है मेरे बच्चों, दैट इज व्हाट, क्लोन्स, है ना, इसका मतलब होता है क्लोन्स, यानी जेनेटिकली मतलब क्या, जेनेटिक मैंने आपको बताया क्या होता है सर, डीएनए की बात होती है ना, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो बनता है नया ऑर्गेनिज्म, नया बच्चे जो पैदा होते हैं, वो उसमें डीएनए 100% सेम होगा उसके फादर या फिर उसके मदर के जैसे। अच्छा और क्या, मॉर्फोलॉजी, मॉर्फ मतलब होता है शेप, लॉजी मतलब होता है क्या, स्टडी, है ना, तो यानी दिखने भी में भी सेम होगा, डीएनए भी सेम है और बाहर से दिखने में भी सेम होगा, इसी को क्या बोलते हैं हम, जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल, सेम। और इस टाइप से अगर हो कोई ऑर्गेनिज्म जो अपने पापा या मम्मी से डीएनए भी सेम रखता हो वैसा ही, और उसकी तरह 100% दिखता हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्लोन्स कहते हैं,
है ना, हमने कई बार सुना है कि क्लोन्स बनाते हैं हॉलीवुड की आपने बहुत सारी मूवीज देखी होंगी। तो क्लोन एक्चुअल में क्या होता है, जिसमें डीएनए भी सेम हो और बाहर से दिखने में उसका फिजिकल अपीयरेंस भी सेम होना चाहिए। सिर्फ एक वजह से नहीं कि बाहर से सेम दिख रहा है तो वो क्लोन हो गया, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो क्लोन क्या होता है, आई होप सो आपको समझ में आया होगा, क्लियर है बच्चों। तो ये रहा, आप इसको थोड़ा सा पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए, आई होप सो समझ में आया होगा आपको, बहुत अच्छे। आइए, ये चीज़ें आपने जान ली, आइए कुछ चीज़ें पढ़ते हैं और। अब ह्यूमन, बताइए ह्यूमन क्या करता है, ह्यूमन में बच्चे पैदा करता है या अंडे देता है। एनसीईआरटी खुद इस बात को कहती है कि भैया, एनसीईआरटी कहती है कि ह्यूमन बच्चे पैदा करता है, ये तो हम सबको पता है। अब बच्चे जो पैदा करने की प्रोसेस होती है उसे बोलते हैं वीवीपैरस, है ना। एक होता है ओवीपैरस, एक होता है वीवीपैरस। ओवी, ओवा मतलब क्या होता है, एग, जो अंडे देते हैं उन्हें हम ओवीपैरस कहते हैं, जो बच्चे पैदा करते हैं उन्हें हम वीवीपैरस कहते हैं, क्लियर है बच्चों। आइए एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन हम रीड आउट करते हैं। यहां पर देखिए क्या बोला है, एज यू आर अवेयर ह्यूमन आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमन कैसा है बच्चों, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है एंड वेरी इंपॉर्टेंट। और कैसा है, वीवीपैरस है, है ना, और कैसा है मेरे बच्चों, वीवीपैरस है, ठीक है, वीवीपैरस है। वीवीपैरस मतलब मैंने क्या बताया आपसे, वीवीपैरस का मतलब होता है मेरे बच्चों गिव बर्थ अ बेबी। क्या लिखेंगे आप, गिव बर्थ अ बेबी, है ना, एक बच्चे को जन्म देगा, इस चीज को लिख लीजिए आप। एनसीईआरटी आपके साथ होनी चाहिए, है ना, और पेंसिल, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन इंक्लूड्स फॉर्मेशन ऑफ गैमिट, है ना, क्या बोला, गैमिटोजेनेसिस। क्या क्या बनता है, गैमिटोजेनेसिस होते हैं, यानी गैमिट्स का फॉर्मेशन होता है, स्पर्म एंड ओवा, और क्या, दैट इज स्पर्म इन मेल एंड ओवा इन फीमेल। वी ऑलरेडी नो, स्पर्म किसमें बनता है, स्पर्म एक गैमिट है, किसमें बनता है, मेल में, ओवा एक गैमिट है, किसमें बनता है, फीमेल में, ठीक है। एंड ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इन टू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक कॉल्ड वॉट, इनसेमिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब ट्रांसफर होता है स्पर्म फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक यानी वेजाइना और यूटेरस में एंट्री करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इनसेमिनेशन कहते हैं। फिर उसके बाद आप देखिए बच्चों क्या दिया है, एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट, मेल गैमिट बताइए, स्पर्म, फीमेल गैमिट क्या, ओवा, दोनों में जब फ्यूजन होता है उस प्रोसेस को हमने क्या बोला है, फर्टिलाइजेशन, क्लियर हुआ बच्चों। आगे देखिए, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, फर्टिलाइजेशन होगा तो उसके बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। दिस इज फॉलोड बाई फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, उसके बाद क्या होता है, इम्ब्रियो जो बनता है उसमें डिवीजन होगा तो क्या बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट, याद रखिएगा ये एक इम्ब्रियो है, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूटेराइन वॉल कॉल्ड इम्प्लांटेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, ये जो ब्लास्टोसिस्ट है एक इम्ब्रियो है बच्चों, ये जब अटैच होता है यूटेरस की वॉल से, यूटेरस क्या होता है बच्चों, आपको पता है, जिसे हम बच्चेदानी कहते हैं हिंदी में, ठीक है, जहां पे बेबी का डेवलपमेंट होता है, जब उसकी वॉल के साथ अटैचमेंट होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन, ठीक है। मैं अभी आपको फ्लो चार्ट दिखाऊंगा बाकी सारी कहानी, ठीक है। आगे देखिए, उसके बाद क्या होता है बच्चों, उसके बाद क्या होता है, इम्प्लांटेशन के बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, है ना, जिसे हम बोलते हैं जेस्टेशन। जेस्टेशन को ही आप क्या बोल सकते हैं, प्रेगनेंसी। जेस्टेशन का एक्चुअल में दूसरा नाम क्या है बच्चों, बताइए, प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी, ठीक है। तो जो प्रेगनेंसी होती है वो कितने डेज की होती है, प्रेगनेंसी जो होती है कितने डेज की होती है, मैं अगर बताऊं डेज में, तो 266 डेज से लेकर के 280 डेज तक होती है। जनरली हम उसे 9 मंथ कंसिडर करते हैं, है ना। आपने मूवी में डायलॉग सुना होगा कि मैंने तुझे अपनी कोख में 9 महीने पाला, है ना, ये डायलॉग सुना होगा, तो वही जेस्टेशन पीरियड उसे कहते हैं, ठीक है। आगे बच्चों देखिए, आगे क्या है, एंड डिलीवरी ऑफ द बेबी कॉल्ड व्हाट, पार्चुरेशन। जब बेबी डिलीवर होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिलीवरी को, पार्चुरेशन। ये वो इवेंट्स होते हैं, ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया, लेकिन कैसे हम याद रखें। नीट में देखो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका ऑर्डर भी पूछा जाता है, डेफिनेशन पूछी जाती है, कौन इवेंट्स पहले हुआ कौन उसके बाद हुआ, ये भी चीजें पूछी जाती हैं, है ना, ये हमको पता है। तो क्यों ना मैं इस पर आपको एक फ्लो चार्ट दे दूं, क्या कहते हैं, है ना, मैं आपको एक फ्लो चार्ट देता हूं मेरे बच्चों, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स, है ना, जस्ट अ सेकेंड, यहां पर मैं आपको एक चार्ट देता हूं, ठीक, इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन मैं लिखता हूं, इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी जब रिप्रोडक्शन हो रहा है तो कौन कौन सी चीजें होंगी, कौन पहले होगा, कौन सी प्रोसेस बाद में होगी, ठीक है। तो जनरली हम उसे कंसिडर कर लेते हैं, तो जो सबसे पहली प्रोसेस होती है मेरे बच्चों, उसे हम कहते हैं क्या, बताओ, गैमिटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, गैमिटोजेनेसिस,
क्लियर है, गैमेटोजेनेसिस होती है। अच्छा पहले मैं सारी चीजें लिख देता हूं, फिर उसके बाद आपको प्रोसेस को एक्सप्लेन करूंगा कि उसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है। और बिलीव मी यही सारी चीजें आप पूरे के पूरे एनसीईआरटी में पढ़ने वाले हैं। ये इंट्रोडक्शन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, जिससे कि आपको समझ में आ सके कि किस स्टेज पर क्या पढ़ना है, उसके बाद क्या पढ़ना है, और कौन सी चीज पहले हो रही है, कौन सी चीज बाद में हो रही है, क्लियर है। अच्छा पहले गैमेटोजेनेसिस होगी, गैमेटोजेनेसिस के बाद जो दूसरी प्रोसेस होती है मेरे बच्चों, उसका नाम है इनसेमिनेशन। क्या नाम है? इनसेमिनेशन, ठीक है। इनसेमिनेशन के बाद जो तीसरी प्रोसेस होगी, है ना, ये दूसरी प्रोसेस है, जो तीसरी प्रोसेस होगी उसका नाम है फर्टिलाइजेशन, है ना, फर्टिलाइजेशन। फिर क्या होगा मेरे बच्चों, जो फोर्थ प्रोसेस होगी उसका नाम है जाइगोट फॉर्मेशन। क्या नाम है? जाइगोट फॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा जाइगोट बन गया सर, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा सर? उसके बाद होगा पांचवी प्रोसेस, फिफ्थ वन, फिफ्थ जो प्रोसेस है उसका नाम क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, है ना, ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट एक्चुअल में क्या है बेटा? एक इम्ब्रियो है, इस चीज को याद रखेंगे, ब्लास्टोसिस्ट क्या है? एक इम्ब्रियो है। फिर सिक्स जो प्रोसेस होती है वो क्या है बेटा? वो है इम्प्लांटेशन, है ना, इम्प्लांटेशन। याद रखिएगा, हर एक चीज को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा मैं। इम्प्लांटेशन के बाद जो चीजें आती है वो है क्या? इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, है ना, जिसे हम बोलते हैं जेस्टेशन। क्या बोलते हैं? जेस्टेशन। जेस्टेशन को ही हम बोलते हैं बेटा प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी, ठीक है। सारी चीजें मैं आपको दे रहा हूं एकदम ऑर्डर में। फिर उसके बाद, फिर उसके बाद जो लास्ट प्रोसेस होती है, एट्थ वन, है ना, जो आठवीं प्रोसेस होती है लास्ट वन, दैट इज पार्चुरेशन। पार्चुरेशन, पार्चुरेशन का ही दूसरा नाम क्या है? डिलीवरी, है ना, डिलीवरी। ये चीजें होती हैं सर, ठीक है। तो हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि सर पहले गैमेटोजेनेसिस होगा, फिर बच्चों इनसेमिनेशन होगा, देन आफ्टर फर्टिलाइजेशन होगा, फिर क्या होगा? जाइगोट फॉर्मेशन हो गया, फिर क्या? फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, फिर क्या? इम्प्लांटेशन, फिर क्या? जेस्टेशन या प्रेगनेंसी, एंड द लास्ट वन इज पार्चुरेशन, ठीक है। ये ऑर्डर में आपको सिक्वेंसेस पता होने चाहिए, और इसी ऑर्डर में हम आगे पढ़ने वाले हैं, हम इसे, क्लियर है। अच्छा अगर मैं बोलूं गैमेटोजेनेसिस क्या होती है, पहली चीज आप समझो इसे, गैमेटोजेनेसिस क्या होती है, है ना। यहां पे मैं एक डिफरेंट कलर ले लेता हूं, ठीक है। अब देखिए ये दो टर्म से मिलकर बना बेटा गैमेटो। गैमेटो मतलब क्या होता है? गैमेट, क्या होता है? गैमेट। एंड जेनेसिस मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन। क्या होता है? फॉर्मेशन, यानी गैमेट फॉर्मेशन की प्रोसेस को कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। देख रहे हैं बायोलॉजी की खूबसूरती, है ना, वो खुद बता रहा है कि क्या है, लेकिन हम रट लेते हैं कई बार, ये करना नहीं हमें, है ना। तो हम क्या लिखेंगे? गैमेटोजेनेसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। क्या बच्चों? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, है ना। अब जो गैमेट बनते हैं वो दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से सर? सर मैंने आपको बताया था स्पर्म और ओवा होते हैं, तो इसमें दो प्रोसेस होती है, इसमें दो प्रोसेस होती है। नंबर वन जो प्रोसेस है उसे हम बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस। जो दूसरी प्रोसेस है उसका नाम है ओजेनेसिस, ठीक है, ओजेनेसिस। अच्छा देखो फिर से वही डिकोड हम करते हैं, स्पर्मेटोजोआ, है ना, या स्पर्मेटोजोआ में क्या छुपा हुआ है? स्पर्म, देखिए स्पर्म छुपा हुआ है, है ना। तो ये क्या हो गया बेटा? स्पर्म, है ना। जेनेसिस मतलब मैंने क्या बताया आपसे? फॉर्मेशन, फॉर्मेशन। तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या हो गया, आप मुझे डेफिनेशन बताइए। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, क्या बोलेंगे? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को हमने क्या बोला? स्पर्मेटोजेनेसिस। बहुत अच्छे। अच्छा ऊ, कहीं पर भी ऊ वर्ड आ जाए इसका मतलब होता है बेटा एग, है ना, या फिर ओवा, ठीक है। जेनेसिस मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन। जेनेसिस मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे आप? फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ ओवा, है ना, या फिर क्या? एग। अच्छा एक चीज और मुझे बता दो आप, एक चीज और बता दो, स्पर्मेटोजेनेसिस किस में होगी बच्चों? तो हम बोलेंगे सर मेल में होगी। ओजेनेसिस किस में होगी बच्चों? फीमेल में होगी, दैट्स इट, है ना। स्पर्म किस में बनेंगे? मेल में बनेंगे। ओजेनेसिस, ओवा का फॉर्मेशन किस में होगा? फीमेल में होगा। हो गया क्लियर, आगे बढ़ते हैं, है ना। इनसेमिनेशन, इनसेमिनेशन क्या होता है, है ना, इनसेमिनेशन क्या होता है मैं आपको बताऊं। जैसे यहां पर देखिए आप, यहां पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिया गया है, जैसे यहां पर देखिए, है ना। अब मैं ये बोल रहा हूं, इस चीज को ध्यान से समझना तभी चीजें समझ में आएंगी आपको। ये है ओवेरी, है ना, ये क्या है बच्चों? ओवेरी है। ओवेरी से एग निकला, है ना, ये रहा आपका एग, ठीक है। अब इस एग को, एग जो है एंट्री करेगा इधर और चला जाएगा इस पार्ट में, इसे बोलते हैं एम्पुला, यहां पर रहेगा, ये एग है आपका,
है ना, ये क्या बच्चों एग है आपका। अब ये फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में है, तो यहां तक एग स्पर्म को आना पड़ेगा फर्टिलाइजेशन के लिए। तो जब कॉपुलेशन होता है, मेटिंग होती है, तो स्पर्म जो होता है बच्चों ध्यान से देखिएगा, जो स्पर्म होता है वो वजाइना के थ्रू, सर्विक्स के थ्रू इंटर करता है, आता है यूटेरस में, और यूटेरस के थ्रू इस फैलोपियन ट्यूब में जाता है। ठीक है, जब इस फैलोपियन ट्यूब में जाता है, जब ये ट्रांसफर कर रहा है, एंट्री कर रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, उसी प्रोसेस को क्या बोला, इनसेमिनेशन। क्या बोला मेरे बच्चों, इसी प्रोसेस बोलते हैं इनसेमिनेशन। सही है, जब स्पर्म एंट्री करता है, ठीक है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, और जब ये एग के पास पहुंच जाता है स्पर्म, जब यहां पे स्पर्म पहुंच गया, इसके साथ फ्यूज हो गया, जब फ्यूज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन, और यहां पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, जाइगोट का। समझ पा रहे हैं, जाइगोट यहां पे बन जाएगा, क्लियर है। अब आइए क्या होता है, अब ये जाइगोट जो यहां पर बना हुआ है मेरे बच्चों, यहां पर बना हुआ है, ये धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लगेगा। जब आगे की तरफ बढ़ने लगेगा तो ये यूटेरस में आएगा, ठीक है, यूटेरस में आके इम्प्लांट होता है, है ना। लेकिन यहां पर इम्प्लांट होगा, यूटेरस में आके बरीड हो जाएगा, इम्प्लांट होगा, यहां पे इम्प्लांटेशन होती है, इम्प्लांटेशन होती है, ठीक है। लेकिन जब यहां पर इस कॉर्नर पर होगा फेलोपियन ट्यूब की, तो वहां पर ऑलरेडी बन चुका होता है ब्लास्टोसिस्ट। समझ पा रहे हैं, ये वो प्रोसेस होती है जिसको हमें आपको पढ़ना है। यहां पर देखिए, आइए देखिए, हमने पढ़ लिया है, हमने पढ़ लिया गैमेटोजेनेसिस। अब इनसेमिनेशन क्या होता है, इनसेमिनेशन क्या होता है बताइए, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, क्या लिखेंगे हम, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, है ना। ट्रैक मतलब क्या होता है, रास्ता, जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एंट्री करता है स्पर्म, उसी को क्या बोलते हैं, इनसेमिनेशन, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद बच्चों, फिर उसके बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा। एनसीईआरटी इसी चीज को कहता है मेल एंड फीमेल गैमेट, तो भैया स्पर्म क्या है, मेल गैमेट है, ओवा क्या है, फीमेल गैमेट। ओके, देन क्या बन गया था, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन गया था, जाइगोट। तो जाइगोट एक्चुअल में है क्या, रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, क्या है बच्चों, रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन है। ब्लास्टोसिस्ट का उसके बाद फॉर्मेशन होगा ही, है ना, डिवीजन होगा। देन इम्प्लांटेशन क्या होता है बच्चा, इम्प्लांटेशन क्या होता है, देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ना, इम्प्लांटेशन क्या होता है उसे मैं लिखता हूं। इम्प्लांटेशन एक्चुअल में क्या है, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द वॉल ऑफ यूटेरस, है ना। और ये कब होता है बच्चों, ये कब होता है, आफ्टर सेवेंथ डे ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी जिस दिन फर्टिलाइजेशन हुआ उसके 7 दिन के बाद ही क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है, जो ब्लास्टोसिस्ट होता है जाके यूटेरस में बरीड हो जाता है, क्लियर है, दफन हो जाता है, उसी प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। जेस्टेशन या प्रेगनेंसी क्या होती है, इसको भी समझ लीजिए आप। जेस्टेशन या प्रेगनेंसी क्या होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, क्या होता है बच्चों, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, है ना, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है। ये कितना होता है बच्चों, जनरली बताइए, ये होता है सर जनरली 9 मंथ का, है ना, 9 मंथ का। डेज में अगर हम काउंट करें तो मैं आपको बता दूं, इसके डेज आप लिख सकते हैं यहां पे, इसके डेज आप लिख सकते हैं सर, डेज इसका हो सकता है 266 से लेकर के 280 डेज, है ना, इतना हो सकता है। आप बोलेंगे सर इतना डिफरेंस क्या, मैं आपको बताता हूं, समझिए जरा ध्यान से, ये ऐसा क्यों होता है, जनरली होता है कि ना 266 डेज, है ना, फिर 280 डेज कौन काउंट करता है उसको भी मैं बता रहा हूं। जनरली अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई फीमेल है, ठीक है, जो फीमेल है, अगर उसका पीरियड 1 जनवरी को आ रहा है मेरे बच्चों, 1 जनवरी को उसका पीरियड आया, तो उसका पीरियड कंप्लीट कब होगा, 28 जनवरी को, ठीक है, 28 जनवरी को पीरियड कंप्लीट होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट पीरियड कब रहेगा उसका, ऑन एन एवरेज अगर हम 1 महीना का कॉन्सेप्ट ले लें थोड़ा आपको समझाने के लिए, तो फिर आना चाहिए उसका 1 फेब को नेक्स्ट पीरियड, ठीक है, 1 फेब को आना चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर सपोज करो किसी फीमेल का 1 जनवरी को पीरियड आना था और नहीं आया, ठीक है, 1 पीरियड आना था बट नहीं आया, उस केस में वो फीमेल जो है वो अपना
प्रेगनेंसी डेट काउंट करती है ना, कि लास्ट पीरियड कब आया था। तो उसका लास्ट पीरियड 1 जनवरी को आना था बट नहीं आया, तो उससे पहले लास्ट पीरियड कब आया होगा, यानी 1 दिसंबर को। तो वो फीमेल क्या करेगी, 1 दिसंबर से ही कंसिडर करेगी कि वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, वो प्रेग्नेंट है ऐसा वो कंसिडर करेगी। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है, जो ओवुलेशन होता है, एग का फॉर्मेशन होता है, वो 14th डे बाद होता है आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी 14th जनवरी को एक्चुअल में वो प्रेग्नेंट हुई होगी, ठीक है। तो जब कोई फीमेल काउंट करती है तो उसके डेज कितने हो जाएंगे, 280, लेकिन जब कोई डॉक्टर कंसिडर करता है तो उसमें से 14 डेज को माइनस कर देता है, तो कितना हो जाएगा, 266 डेज। समझ पा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आगे जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर है। बस इतना समझिए कि डॉक्टर काउंट करती है 266 डेज, और जो जनरली फीमेल होती है इंडियन, वो कितना काउंट करती है, 280 डेज, क्लियर है बच्चों। अच्छा, डिलीवरी क्या होता है सर, डिलीवरी क्या होता है, एक्ट गिविंग बर्थ है ना, एक्ट गिविंग बर्थ अ बेबी है ना, एक बच्चे को जन्म देने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम डिलीवरी या फिर क्या बोलते हैं, पार्चुरीशन। ये वो प्रोसेस होती है जो आपको याद होनी चाहिए। लो जी सर, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है, या फिर नोट डाउन कर लो, वीडियो को पॉज करके जो भी करना है समझ लो, क्लियर है बच्चों। आइए पढ़ लेते हैं हम आगे कि हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है, एनसीईआरटी क्या कहती है बच्चों, आगे देखिए एनसीईआरटी क्या कहती है, ठीक है, एनसीईआरटी क्या कहती है, आगे देखो आप, आगे देखो, आगे क्या कहती है, हमने पढ़ लिया था जेस्टेशन पार्चुरेशन। यू हैव लर्न दैट दीज रिप्रोडक्टिव इवेंट्स अकर आफ्टर प्यूबर्टी, यानी प्यूबर्टी के बाद, है ना, प्यूबर्टी की एज जनरली वेरी करती है, कई बार कई बुक में 11 ईयर, 13 ईयर, 14 ईयर, तो जनरली हम मान करके चलते हैं 13 ईयर तक प्यूबर्टी रहती है, ठीक है। तो प्यूबर्टी के बाद आपको देखने को मिलते हैं ये सब, ठीक है। देर आर रिमार्केबल डिफरेंसेस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन द मेल एंड फीमेल, फॉर एग्जाम्पल स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यू इवन इन ओल्ड मैन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो कंटिन्यू रहेगा इवन इन ओल्ड मैन, बट फॉर्मेशन ऑफ ओवा सीज, सीज मतलब क्या होता है, स्टॉप, है ना, स्टॉप हो जाएगा इन वुमेन अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर। जी हाँ, यानी कोई मेल अगर है तो जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती तब तक उसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता रहेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस होती रहेगी, स्पर्म का काउंट कम हो सकता है बट कंटिन्यूस होता रहेगा। लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं है, फीमेल कोई अगर है जिसकी एज 50 ईयर या 55 हो गई है, उस एज के बाद उसमें ओवुलेशन नहीं हो सकता, एग का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, ओजेनेसिस नहीं हो सकती। इसका मतलब यह है कि अगर कोई फीमेल है जिसकी एज 50 के अबव है तो वो मदर नहीं बन सकती, है ना, मदर बनने के लिए क्या चाहिए, एग, उसमें एग का फॉर्मेशन हो ही नहीं रहा है। इसीलिए आप जनरली देखते हैं कि कोई फीमेल जिसकी एज 50 के ऊपर है वो मां नहीं बन सकती, ठीक है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं क्या दिया है, लेट अस एग्जामिन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आगे हमें देखना मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। आई होप सो वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। मेरे बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है, बड़ी मेहनत लगती है बनाने में वीडियो, है ना, स्टडी वाली वीडियो देखता ही कौन है, आप जैसे कुछ लोग हैं जो देखते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, बस आपके प्यार के और सपोर्ट की ज़रूरत है हमें, ठीक है, जिससे हमें पता चल सके कि हाँ हमारे बच्चे हमारे साथ हैं, हम इतना मेहनत कर रहे हैं उनके लिए, बाकी क्लासेस छोड़ के उनको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो बच्चे को भी समझ में आ रहा है, बच्चा हमें सपोर्ट कर रहा है, तो एक मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेशन की जरूरत तो सबको रहती है ना, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आ रही हो लाइक करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें, 0 to 10 चलेंगे, आपको एक एक लाइन एक एक कॉन्सेप्ट बताकर रहेंगे और क्लियर करके रखेंगे, क्लियर बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही, और हाँ कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है, कोई भी पर्टिकुलर डाउट है, कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।